सितारों सब सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे आज मैं ना आप लोगों मस्त मस्त लो को यहाँ पर ड्रेसेस की भी बहुत अच्छी और सेल वाली वैरायटी मिलेगी यानी सेल में ड्रेसेस मिलने वाले हैं अक्सर लड़कियाँ पसंद करती है ना कि अच्छे से अच्छे ड्रेसेस भी हों हाथ का काम भी हो और आप लोगों को मिल जाए भाई बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में तो जी हाँ वही सब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये वीडियो है तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा अगर आप इसके 10 सेकंड भी मिस करते हैं ना तो में आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से ही गिरा देंगे इतनी देर से बैठे हुए और खाली मेरी आवाज़ ही सुन रहे हैं अरे भैया मुझे देखना नहीं है क्या तो भैया मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लिया है और पहला ब्लॉग तो अपलोड भी कर दिया है

में जो सेल लगी हुई थी वहाँ से भी ये लहंगे मिल जाते हैं बट वो क्वालिटी और वो आप लोगों को मतलब कहते हैं ना फ्रेशनेस लहंगे में और मतलब आप समझ रहे ना मेरी बात तो वो आपको नहीं मिलेगी अच्छा यहाँ पे सतरंग के लहंगे भी थे और थ्री पीस की प्राइस सिर्फ चार हज़ार थी ठीक है इनके पास ज्यादा महंगे लहंगे नहीं हैं तीन हज़ार पाँच सौ से प्राइज स्टार्ट होती है फिर चार हज़ार चार हज़ार पाँच सौ और पाँच हज़ार का तो बहुत ही कम इनके पास लहंगे थे ज़्यादातर इनके पास चार हज़ार और चार हज़ार पाँच सौ वाले थे तीन हज़ार पाँच सौ के भी थे जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ अच्छा ये वाला जो फुल येलो लहंगा देख रहे हैं आप ये फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है और ये बेस्ट बेस्ट लहंगा है अगर आपकी मायू हो रही है उस पर पहनने के लिए और इतने शाइनी ये लहंगे थे देखिए ये ओरिजिनल इसका कलर है जो कि आपको कैमरे में दिख रहा है क्योंकि तो उस वक्त लाइट भी नहीं थी जब मैंने ये वीडियो बनाई और आप देखें कितने प्यारे कलर हैं और मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी शॉप आगे चल के इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंशन किया जाएगा ताकि आप लोग इनसे ऑनलाइन बाई कर सकें बाद ऐसा नहीं होता कि हम कोई शॉप पर गए तो वहाँ पर हमें मतलब कोई चीज़ पसंद आ जाती है लेकिन फिर हम घर पे कुछ और लेकर आ जाते हैं मतलब जो पसंद नहीं होता वो लेकर आ जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि यार ये नहीं अच्छा लग रहा जो वो वाला देखा था ना वो अच्छा था तो यहाँ पर आप लोग के साथ ऐसा नहीं होने वाला सारी एक से बढ़कर एक कलेक्शन है यानी आप ना जैसे ये वाला लहंगा इसको दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते ये अपने आप में इतना अच्छा है कि जब आप ये पहनेंगे ना तो आप दूसरे गम भूलते लेंगे, मतलब दूसरे लहंगा जो आपने नहीं लिया कि वो क्यों नहीं लिया तो उसका गम भूलेंगे ठीक है ना अच्छा यहाँ पर जो पिंक वाला दिखाया था वो तीन हजार पाँच सौ का है और अब जो ये वाला देख रहे हैं आप ये बहुत ही प्यारा इतना हसीन लहंगा था इतना प्यारा उस पर कटवर्क हुआ हुआ था मेरी मामा को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसकी जो प्राइस है वो पाँच हज़ार रुपये है यानी कंप्लीट की प्राइस बता रही हूँ ये सिर्फ लहंगे की प्राइस नहीं है ये पूरा दुपट्टा शर्ट और शर्ट भी अच्छी वाली आपको लगा कर दी जा रही है मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इस शॉप का फैब्रिक इतना पसंद आया बस देखते ही मैंने बोला कि वाह 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 कमाल हो गया भाई और दूसरी बात इनकी होल की शॉप है तो आपको होल में एक पीस भी मिल जाएगा और जो होल सेल में के सेल करते हैं उसी में ही आपको मिलेगा होल सेल प्राइस पर ठीक हो गया अच्छा ये वाला लहंगा देखिए मैंने कहा था मिरर नहीं लगी हुई बट इस पर भी मिरर लगे हुए हैं और काफी सारी शॉप पर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा ना कि मिरर वाले लहंगे ही वो लोग बेचते हैं तो वो ज्यादा प्राइस करके बताते हैं बट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल प्राइस थी मतलब रीजनेबल थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी मैंने सोचा कि भाई मेरे व्यूअर्स कब से बोल रहे थे उनको ये शॉप दिखानी चाहिए बाकी देख लें इनके पास ये सारी कलेक्शन जो कि आपको वीडियो में दिखाई गई है, और जो लोग ऑनलाइन विजिट करना चाहते हैं नंबर है, कर है, करना चाहते है, उनके लिए गाइड कर दिए अब लखनऊ क्लॉथ मार्केट में ही जामा क्लॉथ की ही मार्केट है उसी का हिस्सा है लेकिन मार्केट का नाम चेंज कर दिया तो ये जो ड्रेस देख रहे हैं फोर थाउजेंड रुपीस का है पूरा थ्री पीस पिंक वाला अच्छा जी नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला ड्रेस सेमी स्टिच्ड है और इसकी जो प्राइज है वो थर्टी फाइव हंड्रेड है मतलब इनके पास भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी सबसे अच्छे कलेक्शन मैं आपको दिखाऊंगी मुझे रेड कलर का आ, आ, शरारा टाइप था इनके पास हाँ शरा नहीं गरारा कहते हैं और साथ में ये उसकी शर्ट थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी पेपलम स्टाइल अच्छा ये जो ड्रेस है ये फोर्टी टू हंड्रेड का है फोर पीस तो हाँ जी ये देख लें कितना प्यारा ड्रेस नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी सेमी स्टिच की भी और स्टिच और अन की भी तो आप लोग देख सकते हैं अच्छा जी यहाँ पर आप लोगों को इसका दुपट्टा भी दिखा दिया गया है ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि दुपट्टा कैसा है हाँ जी ये वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई और इसका दो लेयर पर गरारा बना हुआ था काफ़ी ख़ूबसूरत इसकी जो है पैपलम स्टाइल शर्ट भी थी वो भी दिखाई जाती है रुक जाइए वेट करिए और ये मैं आपको लेयर चेक करा रहा ठीक है जी ये देखें कितना प्यारा इसकी शर्ट है और शर्ट नहीं कहेंगे इसको बल्कि स्टाइल शर्ट कहेंगे और दोनों तरफ इसके काम हुआ हुआ है इसकी भी बहुत अच्छी थी मैंने दो बार पकड़ने की कोशिश की फिर आखिर हाथ आ ही गई वरना बार बार गिर रही थी अच्छा इस ड्रेस की जो प्राइस है वो फिफ्टी टू है यानी है और ये भी होल की ही शॉप है यहाँ फिक्स प्राइस रहते हैं बाकी इन्होंने फिर मुझे कुछ सूट दिखाए थे इनके पास आपको सूट की कलेक्शन भी मिल जाएगी ये इंडियन सूट इन्होंने दिखाया था और बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास मैं तो ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इस शॉप पर आएं अच्छा ये शॉप भी लखनऊ क्लॉथ मार्केट में बता दूँ आप लोग को एक बार फिर से लहंगे वाली शॉप जो राइट हैंड साइड पर थी और लहंगे वाली शॉप से बिल्कुल थोड़ा सा आगे लेफ्ट पर इनकी शॉप है ठीक रहा क्लियर हो गया है बाकी देख लें इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन है और आप लोगों को बहुत लो प्राइस में इनके पास कलेक्शन मिलेगी और अब बारी आ जाती है इनका कार्ड शो करने की जो मैं आपको शो कर रही हूँ वेट कीजिए ये रहा जी कार्ड और देख लें आप लोग एड्रेस पे लिखा हुआ है शॉप सेवेंटी फ़ोर और बाकी अब देखें अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे ये इस शॉप पे मैं आई थी बट ये इतना सही तरीके से चीज़ें नहीं दिखा रहे थे बट इन मतलब इन्होंने लहंगे वहंगे सही से नहीं दिखाए थे मैंने कहा साड़ी दिखाएं और इनके पास साड़ी की मुझे इतनी अच्छी कलेक्शन भी नहीं लगी मतलब उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और प्राइस भी बहुत ज़्यादा करके बता रहे थे मतलब देखते ही ना शॉप कीपर कि उनकी वीडियो बन रही है तो जो वीडियो देख कर आएंगे, वो लोग क्या आपको पागल लगेंगे नहीं भाई मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा अच्छी चीज़ दिखाती हूँ जैसे सस्ता मिले वो दिखाती हूँ और इस शॉप को दिखाने का मकसद ये था कि भाई आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी ख़ास वैरायटी नहीं लगी बट प्राइस इनकी बहुत हाई थी अच्छा यहाँ पर हम आए हैं एक स्टॉल लगा हुआ था और ये जो चार्ट है ना जामा क्लॉथ मार्केट की बैक साइड पर उसके सामने ही लगता है और इनके पास काफ़ी अच्छे ड्रेसेस थे लेकिन पता है क्या कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जिनमें डिफेक्ट था अभी दिखाती हूँ ये देखें ये वाला तो बिल्कुल अ, अ, मतलब डिफेक्ट नहीं था इसमें लेकिन ये वाला जो देख रहे हैं इसकी जो थोड़ा बॉर्डर है ना वो थोड़ा फटा हुआ था इस तरह से तो ये आप लोग चेक करके लीजिएगा ठीक है और अगर आप लोग बाय करना चाहें तो मैंने सिर्फ आप लोग को यहाँ पर दिखाया है ये ट्वेल्व हंड्रेड का मेरे ख्याल से थ्री पीस कह रहे थे बाकी ये शॉप वाले ऑनलाइन वर्क नहीं करते अब हम आ गए हैं बहुत ही प्यारी शॉप पर इनके पास जो ड्रेसेस स्टार्ट होते हैं वो थ्री थाउजेंड रुपीज से हैंड वर्क वाले ड्रेसेस और बाकी फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक जाते हैं तो इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी तो और सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे मेरी व्यूवर मिली थी व्यूवर नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली मिली थी और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि उनके बाबा तक मुझे जानते हो मेरी वीडियोज़ देखते हैं और पता है उन्होंने मुझे किस तरह से पहचाना मेरी आवाज़ से पहचाना और दूसरी बात ये कि वो बैठी हुई अपनी अम्मी से कह रही थी ये मुझे ना मुंतहा लग रही है तो मैंने मुझे लग रहा था कि मेरा नाम लिया जा रहा है मैंने कहा हाँ 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 मैं ही मुंतहा हूँ और पता है उन्होंने दूसरी बात ये कही कि अगर ये वीडियो अपलोड हो गई ना इस शॉप की मुंतहा के चैनल पर तो हम समझ जाएंगे मुंतहा ही ये बाकी वो लोग इतने अच्छे थे और इतने स्वीट थे और मेरी वीडियो देख कर ही पूरी शॉपिंग उन्होंने की और काफ़ी दूर से आए थे बेचारे कराची से नहीं थे तो जब इस तरह से आप लोग मिलते हो रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शक्खर से आए थे अच्छा, अच्छा मेरी मामा पीछे से कह रही है शक्खर से आए थे अच्छा ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है और मैं बता नहीं सकती कि इनके ड्रेसेस के कलर्स बहुत प्यारे प्यारे थे और ये देख लें कितना प्यारा कलर्स है बहुत प्यारा लग रहा है और सारे ही पेस्टल कलर्स हैं और जैसे हम इस्थेटिक कलर भी कह सकते हैं मुझे नहीं पता स्थैथिक कह सकते हैं। लेकिन पेस्टल कलर्स तो हाँ है ही है ठीक है अच्छा इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब थी और इस पर सारा का सारा हैंडवर्क हुआ हुआ था जिसमें बीट्स पर्ल्स टसल्स स्टोन सितारे मोती सब कुछ लगा हुआ था मैंने पलट कर भी देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पर आप लोगों को कुछ बारीक कढ़ाई भी मिलेगी यानी बारीक स्टोन वाला काम भी मिलेगा कुछ आ, जो है ज़्यादा जो बड़े स्टोन होते हैं उनका काम भी मिलेगा तो मुझे बारीक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाकी ये वाला ड्रेस थ्री डी में बना हुआ है जिनको थ्री डी वर्क बहुत पसंद है पिछले दिनों थ्री डी बहुत इन हुआ हुआ था फ़ैशन में तो ये देख सकते हैं कि पाँच हज़ार पाँच सौ की प्राइस है अच्छा यहाँ पर जो है आप लोग प्राइस कम भी करवाइएगा क्योंकि यहाँ पर जो आई थी आंटी वो कह रही थी कि मुंतहा बैठी हुआ प्राइस तो कम करवा कर दो फिर मैंने शॉप वाले से किया फिर उन्होंने इसकी प्राइस कम भी कर दी थी तो आप लोग यहाँ पर आके मेरा नाम लेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है और ये ड्रेस देख लें काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें कलर भी मौजूद हैं और मैंने कहा कि भाई एक तो डमी पर लगा हुआ है आप ब्लू वाला खोल दीजिए और दोनों भाई जो शॉप पर थे ये बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे तो उन्होंने मुझे दिखाया भी काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया तो ये देख लीजिए ये वाला आपको जो है ब्लू कलर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिंक से ज्यादा अच्छा ब्लू लग रहा है

डमी पे जो रखा हुआ होता है ना उस पर पूरे जहान की मिट्टी लग रही होती है तो इसीलिए फिर वो नहीं लीजिएगा ठीक है जी अच्छा यहाँ पर देख लें जो भी आपको ड्रेस दिखाया इसमें कलर्स भी मौजूद हैं बहुत प्यारे प्यारे से और मुझे स्पेशली इनके जो ड्रेस के कलर्स थे ना वो बहुत अच्छे लगे और मुझे वैसे रेड कलर पसंद नहीं है बट ये ड्रेस था रेड पर बहुत प्यारा लग रहा था ये आप लोग देख सकते हैं क्रिस्टल स्टोन का भी इस पर वर्क है इस पर थ्री वर्क भी है पर्ल वर्क भी है और ये सेमी स्टिचड टेल फ्रॉम ओके बस आपको इसकी स्लीव्स लगानी है और आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा ठीक है इसमें अच्छा मिरर वर्क भी हुआ हुआ है मतलब क्या क्या नहीं इस पर काम हुआ हुआ और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह के ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं अगर आप लोग बारात पर पहने या फिर स्पेशली ब्राइडल के लिए बहुत प्यारी ये आर्टिकल्स हैं और एक बात बताऊँ जो व्यूअर्स आए हुए थी ना मतलब मेरी जो चांद सितारे आए हुए थे यहाँ पर और प्यारे चाँद सितारे तो तो उन्होंने क्या किया उन्होंने भी यही उससे ड्रेसेस बाई किए थे और मैं तो हैरान हो रही थी कि भाई इन्होंने तो मतलब देख देख के डायरेक्ट डायरेक्ट बाय करने वाला काम किया तो फिर मैंने शॉपकीपर को यही बोला कि देखिए वो लोग डायरेक्ट बाय करें ना कोई बार्गेन करें ना कुछ तो आप लोग उनको डिस्काउंट दें तो फिर शॉप कीपर ने उनको हज़ार का मेरे ख्याल से डिस्काउंट कर दिया था तो यहाँ पर देख लें ये ड्रेस भी काफ़ी प्यारा लग रहा है इसमें पूरा जो चाहते हैं ना लोग फुल बड़े बड़े मिरर लगे हुए तो उनके लिए ये ड्रेस है काफ़ी अच्छा मेर का काम हुआ हुआ है इसका आप लोग को जो उप जो नेक की एम्ब्रॉयड्री है और नेक से थोड़ा नीचे की एम्ब्रॉयड्री है बॉडी की वो आपको सही से नहीं दिखती होगी तो दिख रही होगी या नहीं तो ये वाला ड्रेस मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ अच्छा ये जो टिश्यू टाइप का फैब्रिक होता है जो कि बड़ा शाइनी से था और बहुत प्यारा लग रहा था तो भाई ने फिर भैया ने फिर इसे खोल कर दिखा दिया और देख देखें आप कितना फिनिशिंग से, से सेमी स्टेज ड्रेस बना हुआ है ये और इस पर मोर स्टाइल बना हुआ है जो कि आजकल इंडिया में इस तरह के मोर पैटर्न लहंगों पर बहुत इन है ड्रेसेस पर तो मैंने इंडिया में नहीं देखा लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो लहंगों पर मोर के प्रिंट होते हैं जो कि मैं अक्सर इंडियन वेबसाइट पर देखती रहती हूँ और यहाँ पर आप लोग देख लें काफी प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हैं इनके पास जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और स्पेशली मुझे ये ड्रेस बहुत प्यारा लगा ब्राइडल में जैसे अगर बरी के लिए रखना चाहें तो बहुत बेहतरीन ड्रेस है या अगर आप लोग ब्राइड मेड हैं यानी ब्राइड के गेस्ट हैं या फिर उनकी सिस्टर हैं या ग्रूम के सिस्टर हैं तब भी आप लोग ये ड्रेस ले सकते हैं बहुत प्यारा ड्रेस है और दुपट्टा इसके साथ सादा है बिल्कुल शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है फ्रंट पूरा और इसकी जो प्राइस है वो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड है मुझे ये बहुत प्यारा लगा क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत बारीक थी बहुत नफीस काम था ठीक है और पर्सनली मैं बाप, आपको बात शेयर करूंगी वो ये कि मुझे मोटे काम अच्छे नहीं लगते और जो यहाँ पर आ, फैमिली बैठी हुई थी उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हमें मोटे वोटे काम पसंद नहीं है तो उनकी भी चॉइस काफ़ी अच्छी थी उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेस लिया है ये वाला ड्रेस लिया था तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आपको ये भी दिखा दिया जाए इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा ड्रेस है और ये चेक करिए इसका काम और बस ठीक है इसकी प्राइस मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ ये जो था ये देखें ये इसका इन्होंने ये वाला कलर भी देखा था बाकी ये चेक करें मैंने भाई को बोला कि भाई इसे उठा कर दिखा दे तो इन्होंने उठा कर हुए दिखाया अच्छा ये जो जितने भी पर्ल टके हुए इस पर नग वग़ैरह स्टोन्स जो भी लगे हुए ये पेस्ट नहीं है ये कोई पेस्ट वाला काम नहीं है बल्कि ये क्या है ये स्टिच हुए हुए हैं हाथ से ठीक है इसकी प्राइस का आपको मैंने टैग भी दिखाया अभी अभी बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बाकी कुछ लास्ट आर्टिकल्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो कि आप लोग देख लीजिए और काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयड्री थी और ये देख सकते हैं आप लोग मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ हर चीज़ दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ड्रेसेस कैसे हैं आर्टिकल्स कितने खूबसूरत हैं इनके पास थ्री थाउजेंड वाले भी बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल थे मैं बता नहीं सकती बे अनतहा प्यारी कलेक्शन थी थ्री थाउजेंड वाले भी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी जो कि आपको बैक साइड पर नज़र आ रही होगी और और इनके पास ये देख ली दिखा रही हूँ तो मैं आपको पीछे से और ये देखिए ये वाली कलेक्शन भी बहुत प्यारी है आ, मुझे तो ये वाली कलेक्शन बहुत प्यारी लगी पिंक वाली और सेल में थे ये फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आर्टिकल था और स्टिच करवाएं वेयर करें भाई बहुत प्यारा लगेगा आप लोगों के ऊपर लगेगा कि भैया आपने कोई डिज़ाइनर पीस पहना हुआ है कोई बहुत ही महंगा महंगा सा तो देख सकते हैं आप लोग करीब से इसका काम भी और सारे के ड्रेसेस जो थे ना वो टिशू पे थे कुछ जो थ्री uh, थाउजेंड वाले थे थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाले थे वो शेफोन पे थे ठीक है तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का डाउट ना रहे और इसी तरह की अगर आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई क्या कर रहे हैं जल्दी से अपनी प्यारी बहना के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुंतहा ऑफिशियल व्लॉग्स के नाम से है तो अब ये वाला ड्रेस आप लोग देख लें लास्ट लास्ट ड्रेसेस दिखा रही हूँ अच्छा इस पर स्टोन्स का भी वर्क है इस पर कट डाले का भी है और सारा ही हाथ का काम है मिरर वर्क भी है इसकी जो प्राइस है वो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ है हर ड्रेस पे आपको तकरीबन तीन चार पाँच और ज़्यादा से ज़्यादा छः कलर्स भी मिल जाएंगे ठीक है लेकिन लिमिटेड कलर्स होते हैं यहाँ पर तो जो जितना जल्दी आएगा उसे इतनी जल्दी ही मिल जाएगा ठीक है जी तो यहाँ पर ये देख लें ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है और शेफॉन का है तो इसकी प्राइस कम है फिर तो बस आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं इधर ही हजम करते हैं आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में आपने भी ज़रूर मिलना है अपना जी जरा ख्याल रखें तो हमें मुझे याद रखिएगा मैं भी जा रही हूँ वहाँ भी जाइए अल्लाह हाफिज